नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के खाचरोद के ग्राम बुरानाबाद में मुख्य मार्ग पर 3 फुट पानी भरा रहता है। पानी की टंकी से लेकर आदिश्याम जाट के घर तक की सीसी रोड, ये सीसी रोड बिड़ावनिया जाने की मुख्य सड़क है। सीसी रोड पर 3 फुट पानी भरा रहता है। ग्रामीण दिनेश जाट ने बताया कि ठेकेदार ने रोड बनाते समय इस पर मटेरियल कम डाला था, जिसके कारण पानी भर जाता है। ठेकेदार ने निकासी के लिए रोड के दोनों तरफ नालियां भी नहीं बनाई। समर काटकर ने बताया कि रोड पर 100 मीटर तक पानी भरा रहता है। गांव की नालियों का गंदा पानी 3 फीट तक भरा रहता है। इसी गंदे पानी में होकर ग्रामीणों को निकलना पड़ रहा है। गाँव के 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों को भी इसी गंदे पानी से निकलना पड़ता है। आसपास रहने वाले लोगों को इस गंदे पानी से मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कई बीमारियों का भी डर रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी 100 मीटर में महाकाल मंदिर, जहां पर गांव के बड़े बुजुर्गों को भी आना जाना लगा रहता है, सावन के महीने में आसपास के लोगों का भी आना जाना लगा रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बिना देखे इस रोड की मंजूरी कैसे स्वीकृत कर दी गई। उज्जैन संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। गुरुजी, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? यहाँ मंदिर पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग, बहुत परेशानी आ रही है। पानी ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक रोड बनाया है, ये बहुत गलत है। लोग, गांव वाले को बहुत परेशानी आ रही है, निवासी लोग, इनको परेशानी आ रही है। गुरुजी, इस कीचड़ में से निकल के आना पड़ता है लोगों को? डेली आते हैं, हम भी आते हैं, कीचड़ में आते हैं। ये पानी बाज भी मार रहा है शायद, ये पानी बाजता भी है। कितने दिन से इकट्ठा हो रहा है पानी? मारे गंदगी के मंदिर में पानी घुस रहा है। लेबर ठेकेदार ने क्या लापरवाही करी यहाँ पे? बहुत लापरवाही की, रोड अच्छा ढंग से नहीं बनाया है। वो शायद अभी भी सुधार सकता है। ठीक है।